जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही YouTube चैनल मेक ड्रीम कैरियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 8 का गणित का पहला एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 9। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर फिर से उसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए एग्जाम में कहा जाए तो इसका जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप वो पहला स्टेप है कि हर को समान कीजिए, ठीक है। हर को क्या कीजिए, समान कीजिए। पहला स्टेप है कि हर को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ हर तो नीचे पर वन है, इसका भी वन है, ये इकाई हर वाला परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए और इसमें देखिए, हर समान नहीं है। इसका जो दो परिमेय संख्या दिया हुआ है इसमें से पहला है उसका हर 2 है और इसका जो हर है वो 3 है। तो पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग हर को समान करेंगे, इसके हर को समान करेंगे। और आपको पता है कि हर को समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, हरों का, ठीक है। हरों का किसका लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका हरों का, तो जो दिए गए परिमेय संख्या है उसका, और जितना उसका एलसीएम आता है इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो इसका हर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए 3 से नीचे गुना करना पड़ेगा तो ऊपर में भी करेंगे, और यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। इस तरीके से इसका हर समान होगा, उसी तरीके से इसका भी हर हम लोग समान करेंगे। एलसीएम इसका 35 आएगा, 35 आएगा, तो नीचे 35 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे और इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे। तो ऊपर जितना नीचे से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से गुना करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया, हर समान हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समान हर वाले परिमेय संख्या जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, जितना परिमेय संख्या निकालना हो उससे एक अधिक से हर तथा अंश दोनों को, हर तथा अंश दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अभी आपको समझ में आएगा। पहले हर समान करेंगे, हर समान करने के लिए एलसीएम लेंगे और उचित नंबर से गुणा करेंगे। उसके बाद समान हर वाले परिमेय संख्या में जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक अधिक से हर तथा अंश दोनों में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये था इसका स्टेप। तो कहानी अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। हल ए नंबर का क्या है, -1 और 0 हर समान करने पर, ठीक है, हर समान करने पर। तो यहां तो हर ऑलरेडी समान है, -1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/1, तथा हम लोग 0 को भी लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत। यहां पर हर समान है, यहां लिखेंगे चूंकि कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3, तो 3+1=4 से समान हर वाले परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा करने पर। यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है या करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है, इसलिए 3+1=4 से समान हर वाले परिमेय संख्याओं के हर तथा अंश में गुणा करने पर, तब क्या हो जाएगा। देखिए, ये है -1/1, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, काहे कि 3 निकालना है तो एक अधिक से हम लोग गुना करेंगे, ऊपर में हो जाएगा -4 और नीचे में हो जाएगा 4, ठीक है। तथा
तथा एक और है 0/1, तो ऊपर में भी हम लोग 4 से गुना करेंगे और नीचे में भी हम लोग कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यहाँ 1 है भाई, काहे 4 लिखा जा रहा, तो ऊपर में 0 और नीचे में 4, 0 के साथ कुछ भी गुना होएगा तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। आगे अतः कितना है -4/4 तथा 0/4, 0/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। वो क्या है, देखिए माइनस, इसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझते हैं, 0/4, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4, -2/4, -3/4, ठीक है, और -4/4। अब देखिए इसके और इसके बीच में 3 को ये परिमेय संख्या है, 3 को परिमेय संख्या 1, 2, 3, तो इसी को तो हमको निकालना था, तो इसी को भी हम लोग यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से है, कहेंगे और लिखेंगे यहाँ -3/4, -2/4, यहाँ हम जमा शुरू किया, उधर से भी चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, -1/4, ठीक है, -1/4, ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा सवाल का बात करते हैं, बी नंबर का। तो बी नंबर में देखिए इसका जो बी नंबर है वो क्या है, -1/2 तथा 2/3। तो देखिए -1/2 जो है, -1/2 हर समान करने पर, तो इसका जो हर होगा वो समान होगा इसका एलसीएम से, तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम जो होगा 2 और 3 का, हरों का एलसीएम 2 और 3 का, वो सीधा इसका गुणनफल होगा 6, तो 6 बनाने के लिए ऊपर में कितना गुना करना पड़ेगा, पहले नीचे में देखिए 6 बनाने के लिए 3 गुना करना है, तो ऊपर में भी 3 गुना करेंगे तो -3/ नीचे में हो जाएगा 6। उसी तरीके से एक और जो है वो क्या है, ये था तथा, तो यहाँ पर देखिए 2/3 है, तो 2/3 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे 4/6। अब देखिए इन दोनों का हर जो है वो समान हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है या परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3+1 4 से समान हर वाले परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में गुना कर देंगे। अब देखिए ये सिर्फ मिटेगा हमारा, यहाँ पर क्या है -3/6 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 से ऊपर में भी और 4 से नीचे में भी गुना करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 3×12 माइनस में और नीचे में 6×24, और यहाँ पर देखिए एक है 4/6 है, तो 4/6 है हर समान हो चुका है, तो ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे और नीचे में भी 4 से, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ सीधा सीधी भी निकल रहा है, यहाँ सीधा सीधी भी निकल रहा है, अगर हम लोग रूल को ना भी माने तो -2/6 -1/6 -0/6 और -1/6, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस तरह भी बना देंगे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सीधा सीधे लिख सकते हैं -12/24 और ये हो जाएगा 16/24 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं -11/24 -10/24, देखिए प्लस में भी जा सकते हैं, तो 10/24 प्लस में, कहा है कि -11 से लेके +15 तक हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से भी अगर आप लिखना चाहें क्वेश्चन से डायरेक्ट, अगर यहाँ से इसको स्किप कर दे तो -3/6 तथा 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा, कहा से -2/6 -1/6 0/6 1/6 2/6 3/6, तो इतना परिमेय संख्या हमको यहीं पर मिल गया। तो ये अगला स्टेप था हमारा रूल का, जो स्टेप बाय स्टेप के चक्कर में हम लोग इसको थोड़ा सा इसरा कर दिए। अब डायरेक्ट इतना लिखने के बाद आप यहाँ भी आ सकते, इसको स्किप आप कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हमको मिल जा रहा है, नहीं मिलने के केस में हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं लास्ट जो है इसका 3 नंबर, ठीक है।
लास्ट जो है सी नंबर, सी नंबर क्या है, माइनस पांच बटा सात तथा माइनस थ्री बाय फाइव। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हर को सबसे पहले समान करेंगे, हर समान करने पर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सीधा से भी हमको पता चल रहा है कि लगेगा नहीं, सात पचे पैंतीस हो जाएगा, तो यहाँ पांच से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर में पच्चीस और नीचे में पैंतीस, तथा इसका बात करें माइनस थ्री बाई फाइव का, तो ऊपर में थ्री है और नीचे में फाइव है, सेवन से गुणा करेंगे तो ये पैंतीस हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा ये पैंतीस। देखिए बाईस ताइस चौबीस, यहां भी सीधा सीधे निकल रहा है, इसको हम शॉर्टकट ही कर देते हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं। आप टू नंबर को भी उस तरीके से बना सकते हैं, आप क्यों लंबा बनाएंगे, जब सीधा मिल ही जा रहा है तो क्यों लंबा बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, माइनस पच्चीस बटा पैंतीस और यहाँ माइनस इक्कीस बटा पैंतीस, इसके बीच में तीन परिमेय संख्या मिल जा रहा है, तो डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखिए, अतः माइनस पच्चीस बटा पैंतीस तथा माइनस इक्कीस बटा पैंतीस के बीच तीन परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्याएं इस प्रकार से है, ठीक है। तीन परिमेय संख्या किस प्रकार से, माइनस इक्कीस के बाद क्या लिखेंगे, माइनस बाईस बटा पच्चीस, या फिर ऊपर से लिखे ये क्या होगा, माइनस चौबीस बटा पच्चीस, उसके बाद माइनस ताइस बटा पच्चीस, एक हो जाएगा माइनस बाईस बटा पच्चीस, उसके बाद माइनस इक्कीस बटा पैंतीस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पैंतीस है, थर्टी फाइव। तो ये हो गया इसका आंसर, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में।